देश में कोरोना वायरस से लोग भयभीत हैं। इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए सरकारें व प्रशासन सतर्क हैं। लेकिन नगरोटा सूर्या में खुले में मृत पड़े पशुओं से कोरोना जैसी बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां मरे हुए आवारा पशु एक सप्ताह से खुले में पड़े हुए हैं और इन्हें कोई नहीं उठा रहा है और बदबू से क्षेत्र में लोगों का बुरा हाल है, जिससे कोई भी भयानक बीमारी फैल सकती है। एक तरफ कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है, जिसके कारण लोग पहले ही डरे हुए हैं। नगरोटा सूर्या के खेल के मैदान पर करीब 5 से 10 मरे हुए पशु खुले में पड़े हैं तथा कुछ मरे हुए पशुओं के कंकाल भी पड़े हुए हैं। कुत्ते तथा पक्षी आदि इन सभी के मरे हुए पशुओं को नोच नोच कर खा रखा है और इसके कारण कोई भयानक बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नगरोटा में गंदगी से इतना बुरा हाल है कि पूरी तरह बदबू फैली हुई है। सैकड़ों आवारा पशु हर समय यहां पर बैठे रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 100 मीटर दूरी पर नगरोटा सूर्या का स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के सामने एक मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है। हर आने जाने वाले व्यक्ति जो इस अस्पताल का जा रहा है वहां पर से मास्क पहनकर निकल रहा है। हैरानी की इस बात को सामने आने के बाद गुरुद्वारा है जहाँ के मार्केट के साथ मेडिकल स्टोर व लैब की दुकानें भी है। कुछ ही दूर एक निजी स्कूल है, फिर भी कोई सुत नहीं ली जा रही। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। हाँ बोलो। मेरा नाम दिनेश पठानिया है और मेरी यहाँ पे मेडिकल शॉप है। मैं काफ़ी साल से यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बरसात के मौसम में भी और आजकल सर्दियों में भी आज तक यहाँ पे पशु मरते रहते हैं। ना तो प्रशासन इसकी सुध लेता है, ना कोई भी लेता है। यहाँ से हॉस्पिटल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। आज तक यहाँ पे पेशेंट आते रहते हैं तो बीमारी फैलने का भी डर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कृपया करके आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है। मेरा नाम रेखा है, मैं इस ग्राउंड के पास ही मेरा घर है और 3-4 दिन से जहाँ पशु मरे पड़े हैं, 3-4 गायें मरी पड़ी हैं, कोई इनको इसी ने नहीं उठाया। बीमारी फैलने का पूरा खतरा है, कोई भी भयंकर बीमारी फैल सकती है, इसका कोई प्रबंध किया जाए। सिंह, यहाँ पर स्थानीय यहाँ पर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, स्कूल बच्चों का खेलने का ग्राउंड है। यहाँ पर 3-4 दिन से पशु मरे हुए हैं, 2-3 पशु, बुरी हालत है यहाँ पर। 100 मीटर यहाँ से साथ में ही हॉस्पिटल है, आने यही रास्ता है मरीजों को आने जाने का। कोई भी नहीं, पंचायत भी नहीं पशु को उठा इसका। यहाँ पर 3-4 दिन से बदबू पड़ रही है पशुओं की, और यहाँ प्रशासन से ये उम्मीद है कि कोई भी बीमारी फैल सकती है। जहाँ पर अभी कितना मतलब बीमारी का हल्ला पड़ रहा है, यहाँ पर सरेआम ही यहाँ पर पशु मरने का संकेत सरेआम ही है, यहाँ पर आप देख रहे हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.